हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक बेटा हमने इसके एग्जांपल देखे हैं जिसमें टोटल 7 एग्जांपल थे। 6 एग्जांपल तक हमने देखा था कि उसमें दिया गया था एंगल ऑफ एलिवेशन हमें निकालना था, और जो हमारा क्या कहते हैं सेवन और सिक्स था उसमें हमें दिया गया था एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना था। तो हमने उसको सॉल्व किया बेटा। अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। तो दिया गया इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेस एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप विथ द ग्राउंड लेबर इज 30 डिग्री। यहाँ पे हमें क्या कहते हैं बेटा, ये फिगर दिया गया है, ये फिगर हमें दिया गया है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बेटा बात कर रहा है कि एक कोई सर्कल आर्टिस्ट है, वो एक क्या कहते हैं 20 मीटर लंबी रॉप पे चढ़ना चाहता है। ये क्या कहते हैं बेटा, एक रॉप है जिस पे वो 20 मीटर लंबी है, उस पे वो चढ़ना चाहता है। तो अब इस रॉप का मतलब होता है कि बेटा जो धागा होता है वो टाइटली स्ट्रेच हो, मतलब एकदम टाइट हो। जब वो एकदम टाइट होगा बेटा तो हमें क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन देगा। ये हमारा कोई वर्टिकली पोल है, ए बी हमारा कोई पोल है, इसी की हाइट हमें क्या कहते हैं बेटा निकालनी है। तो यहाँ हमें अगर साइन इसके लिए, मतलब बेटा ये 30 डिग्री के लिए हम बात करें, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। यहाँ पे हमें बेटा क्या कहते हैं हाइपोटेनियस दिया गया है। जो हमारा रस्सी का रॉप है वो हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो हमारा हाइपोटेनियस है इस एंगल के लिए, और ये हमारा परपेंडिकुलर है जो हमें निकालना है। ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या लगा सकते हैं, जब हमें परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस पता है तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे। साइन 30 डिग्री इसकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए सी है, ए सी अपन नहीं बेटा, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और हाइपोटेनियस हमारा ए सी है, तो ये हमारा ए सी होगा। साइन क्या कहते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 इसकल टू ए सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है बेटा, परपेंडिकुलर। ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हमने पी मान लिया, तो इसको हम या फिर हम ए बी ही रहने दें, इसको ए बी ही रहने देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, ए सी हमें क्या दिया गया बेटा, 20 मीटर दिया गया था, हम 20 लिख लिए। तब हम कहते हैं कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 20 इजकल टू 2 ए बी। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 20/2। तो जब 2 से हम डिवाइड करेंगे 20 को तो क्या आ जाएगा, ए बी इजकल टू हमारा 10। यहाँ पे हमें मीटर में दिया गया था बेटा, इसलिए ए बी हमारा मीटर में आ गया वैल्यू। तो ये हमारा ए बी इजकल टू 10 मीटर। ये हमारा बहुत ही बेटा छोटा क्वेश्चन था जिसे हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे आप लोग को एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि कोई एक सर्कल आर्टिस्ट है जो क्या कहते हैं एक 20 मीटर लंबी रॉप पे वो चढ़ना चाहता है, तो जो उसका धागा होगा बेटा वो टाइटली स्ट्रेच होगा तभी तो उस पर चढ़ पाएगा, नहीं तो जब वो लूज होगा, क्योंकि जो धागा होता है वो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिए रखा है कि वो टाइटली स्ट्रेच है, मतलब कि वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन हमें दे रहा है। और उसकी क्या कहते हैं हमें हाइट पता करनी थी, ए बी की हाइट हमें निकालनी थी, हाइट ऑफ दी पोल, ये उसका पोल था और इसकी हाइट हमें निकालनी थी बेटा। तो हमने इसकी हाइट निकाल दी, क्या आ गया, ए बी इजकल टू 10 मीटर।